तो गाइस फाइनली BGMI और PUBG मोबाइल के 2.1 अपडेट की ऑफिशियल रिलीज डेट पता चल गई है और उसी के साथ 2.1 अपडेट में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है उसकी भी पैच नोट आ गई है। तो आज वीडियो में आपको सबसे पहले ऑफिशियल रिलीज डेट बताऊंगा BGMI और PUBG मोबाइल के 2.1 अपडेट की और उसी के साथ क्या क्या नई चीजें हमें देखने को मिलने वाली है वो भी आपको बताऊंगा। तो आप बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर दे और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना इसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो आज मैं सबसे पहले शाउट आउट देना चाहूंगा मिकी पॉप्स भाई को जिसने मुझे 1000 प्लस पॉपुलैरिटी सेंड की है। थैंक यू ब्रो फॉर सेंडिंग पॉपुलैरिटी, कीप सपोर्टिंग। तो दोस्तों अभी हम सबसे पहले बात करते हैं BGMI और PUBG मोबाइल के 2.1 अपडेट के फीचर्स और उसकी रिलीज डेट। तो आप देख सकते हो ये है PUBG मोबाइल और BGMI के 2.1 अपडेट की ऑफिशियल पैच नोट या फिर नोटिस आप कह सकते हो। तो इसके अंदर उन्होंने डेट्स और सब कुछ बताया है कि क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं 2.1 अपडेट में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑफिशियल डेट्स के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हो 11 जुलाई। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कौन से वर्जन में कब ये अपडेट रिलीज होने वाला है। तो सबसे पहले आता है PUBG मोबाइल ग्लोबल। तो अगर आप PUBG मोबाइल ग्लोबल खेलते हो तो PUBG मोबाइल का 2.1 अपडेट आपको 11 जुलाई को मिल जाएगा। 11 जुलाई को सुबह से लेकर फिर शाम तक आपको वो अपडेट आपके डिवाइस के अंदर रोल आउट होना शुरू हो जाएगा और आपको मिल जाएगा अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर। तो सबसे पहले ये अपडेट आने वाला है PUBG मोबाइल के अंदर। फिर उसके बाद वियतनाम वर्जन में भी सेम 11 जुलाई को ही आएगा। फिर नेक्स्ट आता है PUBG मोबाइल कोरिया। तो PUBG मोबाइल कोरिया के अंदर ये 12 जुलाई को अपडेट आने वाला है। और फिर अपना लास्ट आता है BGMI। तो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर 2.1 का अपडेट हमें 13 जुलाई को देखने को मिलने वाला है। अगर डिले हुआ तो फिर 14 जुलाई को हमें देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट शायद 12 बजे के बाद ही रोल आउट होगा BGMI के अंदर। तो 13 जुलाई को हमें देखने को मिल जाएगा क्योंकि PUBG मोबाइल के अंदर सबसे पहले ये अपडेट आ जाते हैं फिर बाद में ये BGMI के अंदर आते हैं। और अगर आप इस गेम को मतलब ये 2.1 अपडेट को अपडेट करते हो आप यहाँ देख सकते हो ये डेट दी हुई है 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक PUBG मोबाइल के लिए और अपना 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक होगा। तो फिर हमें क्या क्या मिलेगा? तो 3000 बीपी मिलेगी, 100 AG मिलेगी और एक हेलमेट की स्किन मिलेगी टाइम लिमिटेड के लिए। फिर नेक्स्ट उन्होंने की फीचर्स भी दिए हैं आप देख सकते हो। न्यू थीम मोड, तो एक नया मोड हमें देखने को मिलने वाला है एशियंट सीक्रेट अराइज नाम से वाला है और वो कब आएगा तो वो भी शायद अपडेट के साथ ही हमें दिखाई देगा। तो अगर आपको इस मोड के बारे में नहीं पता हो तो मैंने एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है इस मोड के बारे में और सारे फीचर्स आपको 1x1 दिखाए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर इस वीडियो को देख सकते हो। इसके अंदर मैंने सब फीचर्स बताए और मैं आपको बता दूं कि इस मोड के अंदर हम 2 बार रिवाइव हो सकते हैं। यस गाइस, बहुत ही अच्छी फीचर लाए हैं उन्होंने इस मोड के अंदर और ये मोड बहुत ही ओपी है तो इसे जरूर देखना। और उसी के साथ एक नया मोड आने वाला है दोस्तों ब्लैक पिंक नाम से, तो एक वर्चुअल कंसर्ट जैसे होने वाला है। तो ये भी मैंने आपको दिखाया था तो मैं फिर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे दिखाई देने वाले। तो यह आप कॉन्सर्ट का हम कह सकते हैं। तो यहाँ बस हमें जंप लगाने, तो आप ट्रेनिंग जैसे ये कर सकते हो, बहुत सारे प्लेयर्स भी यहाँ आते हैं। तो ये कैसे ये नया मोड उन्होंने ऐड किया है। फिर नेक्स्ट है एंशियंट सीक्रेट अराइज जो मोड आने वाला है, तो इसके बारे में देखो उन्होंने बताया तो ये मोड आने वाला है इरेंगल मिरामर और लिविक मैप के अंदर। तो फैरो फिर से रिटर्न होने वाला है तो आपको फैरो से फाइट लेनी है तो उस वीडियो के अंदर आपको पता चल ही जाएगा। तो वो भी उन्होंने बताया है कि फैरो फिर से वापस आने वाला है और बाकी बहुत सारे टेम्पल्स और ये बहुत सारे उन्होंने दिए हैं आप ये देख सकते हो। आप पोस्टर में भी उन्हें दिखाया है तो ये लेके जाएगा वो टेम्पल को और इसके अंदर फैरो होता है तो आपको ये मैप के ऊपर दिखाई देगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैप के ऊपर ऐसे उसका पाथ भी लगा हुआ होगा तो ऐसे पाथ से वो रोटेट करेगा गाइस। तो ऐसे उन्होंने दिया है तो ये बहुत ओपी मोड है। और फिर नेक्स्ट आता है एक मेगा अरीना मोड आने वाला है, तो एक अरीना के अंदर एक नया मोड वो ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हो। तो वो आने वाला है 11 अगस्त को, तो वो मतलब नेक्स्ट मंथ ही आएगा, ये मंथ में नहीं दिखाई देगा। और मैप भी देख सकते हो इरेंगल और लिविक है। और चेयर पार्क के अंदर भी वो नाइट मोड और इवनिंग मोड ऐड करने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ओपी एक्सपीरियंस हो जाएगा। और चैट के अंदर भी उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट्स किए हैं और बाकी रिजल्ट्स के इंप्रूवमेंट्स उन्होंने कर दिए हैं, हाइलाइट्स के अंदर भी कर दिए हैं। और फिर नेक्स्ट आता है साइकिल 3 सीजन 7, तो साइकिल 3 सीजन 7 कब आने वाला है? तो वो आने वाला है 19 जुलाई को। तो 19 जुलाई को सुबह 7:30 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो ये टीयर रिवॉर्ड का भी उन्होंने बताया है कि गोल्ड टीयर पर हमें देखो ये आउटफिट मिलने वाला है।
बनाए, तो इसके लीक्स अगर आपको नहीं पता हो तो इसकी भी वीडियो बनाई है, आई बटन पर देख सकते हो। तो गोल्ड टियर पर हमें ये वाला आउटफिट मिलने वाले, तो बहुत ही ओपी वाला आउटफिट है। फिर नेक्स्ट आता है मंथ 13 का रॉयल पास, तो आप देख सकते हो मंथ 13 का रॉयल पास 19 तारीख को आने वाला है, तो उसका भी उन्होंने ये देखो पोस्टर दे दिया है। तो सेम टू सेम ऐसे ही ये दिखाई देगा गाइज हमें, आप देख सकते हो रॉयल पास लिखा है और ये 50 लेवल का आउटफिट है और आप देख सकते हो ये 50 तक। तो इसके 1 से लेकर 50 आरपी तक के रिवॉर्ड्स अगर आपने नहीं देखे तो आप आई बटन पर देख सकते हो। और फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो एक न्यू एक्स सूट आने वाला है, XL1 ऐसे नाम से दिया है, तो ये नाम थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो दोस्तों क्या आप एक्साइटेड हो यानी BGMI और PUBG मोबाइल के 2.1 अपडेट से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर देना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।